Hey, hi, I'm Dr. Abhineet Gupta, और आज जो मैं आपके पास लेके आया हूँ वो है स्लीप हार्मोन. गाइज, इट्स अ स्लीप हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन. ओके, मैं ये कोई नींद की गोली के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ. इट्स नॉट अ नींद की स्लीपिंग पिल्स है कि आप खाएंगे और स्लीपिंग पिल्स से आपको आदत पड़ जाएगी. ये ऐसा नहीं है. ये इट्स अ हार्मोन. जब हम सोते हैं, हमारे सोने के जब हम सो जाते हैं तो 3 घंटे बाद हमारा ब्रेन इसको रिलीज करता है, मेलाटोनिन. ओके, इट्स अ स्लीप हार्मोन. बॉडी में कई टाइप के हार्मोन होते हैं. डे हार्मोन होता है, इट्स अ नाइट हार्मोन. डे हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जो हमें एनर्जी ये सब प्रोवाइड करता है कि खूब सारी एनर्जी आ रही है, हम काम कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर सेरोटोनिन रिलीज होता है. सेरोटोनिन इट्स अ डे हार्मोन. जब दिन होता है तो सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो हमें काम करवाता है बॉडी को. जब रात होती है, जिस तरीके से हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, हमारी मसल को रिलैक्स होने की जरूरत पड़ती है, सेम हमारे दिमाग को भी रिलैक्स होने का टाइम चाहिए. हमारा दिमाग कब रिलैक्स होता है, हमारा ब्रेन कब रिलैक्स होता है? जब मेलाटोनिन रिलीज होता है. वो बोलता है दिमाग तू रिलैक्स हो जा. बहुत बार होगा, आप लोगों ने मार्क किया होगा कि आप बहुत अच्छा सो रहे हो, 8-10 घंटे सोए हो, बट जब सुबह होते हो, उठते हो तो आप बहुत चिड़चिड़ाते रहते हो. आप बहुत चिड़चिड़ा रहे हो, क्यों? बिकॉज आपके दिमाग में रिलैक्स ही नहीं, आपका ब्रेन रिलैक्स ही नहीं हुआ है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन ही नहीं हुआ है. अगर किसी भी रीजन से अगर वो सिक्रीशन नहीं होता है तो आपका दिमाग स्ट्रेसफुल रहेगा, ठंडा ही नहीं हो पाएगा, आप चिड़चिड़ाते रहोगे, दिन भर काम करने में इच्छा ही नहीं होगी, आपका मूड ही खराब रहेगा. क्यों? बिकॉज आपका दिमाग ठंडा नहीं हो, रिलैक्स नहीं हुआ है. दिमाग को भी रेस्ट की जरूरत होती है. तो वो कब रेस्ट करता है? जब मेलाटोनिन सिक्रीट होता है. इट्स अ हार्मोन. अभी ये क्या करेगा, ये आपको आपके दिमाग को ये इसकी आदत नहीं पड़ती. सबसे अच्छी बात है इसकी आदत नहीं पड़ती है, और जब आप खाओगे तभी रहेगा. ये जनरली जेट लैग होता है ना लोगों को, जब यहाँ से आप US जाओगे, अब आप वहाँ पे दिन, यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे नाइट है, वहाँ पे नाइट है तो वहाँ पे डे है, है ना? तो वहाँ पे जब जेट लैग होता है तो भी लोग ये यूज़ करते हैं मेलाटोनिन, ताकि वो जेट लैग से उभर सकें. ये रिलीज होगा, ये जाएगा तो बॉडी को दिमाग लगेगा हाँ अभी दिमाग ठंडा हो गया, और उसको वो आदत पड़ जाएगी कि साइकिल की जो स्लीप साइकिल होती है वो प्रॉपर हो जाएगी. बहुत से लोगों की स्लीप साइकिल प्रॉपर ही नहीं होती है, वो 2 घंटे सोएंगे, 3 घंटे सोएंगे, उठ जाएंगे, उनको नींद ही नहीं आ रही रात भर. भाई, इसको लेने का बहुत अच्छा तरीका है. ये नींद की गोली नहीं है, पहली बात, ये नींद की गोली नहीं है. आप इसको खा के कोई बेहोश होके नहीं सोगे, आप ये गलतफहमी में मत रहना. और इसके सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि अच्छी बात क्या है इसमें, आपको सबसे ज़्यादा करना क्या है, इसको आपको जब रात में खाएं, सोने के 1/2 घंटे पहले इसको ले लें, अपना मोबाइल को साइलेंट पे वाइब्रेट भी बंद कर दो, क्योंकि मोबाइल भी वाइब्रेट होगा तो आपकी नींद टूट जाएगी. रात में लाइटें बंद करके सोना है. देखो, जब आप लाइटें चालू करके सोते हैं तो आई के थ्रू आपकी जो लाइट जाती ना, आई के थ्रू रेटिना में लाइट पड़ती है, तो वो भी मेलाटोनिन के सिक्रीशन को नहीं होने देती है. मेलाटोनिन का सिक्रीशन, नाइट बल्ब जो होता है ना, ब्लू लाइट होती है या जो रेड लाइट होती है, नाइट बल्ब होता है, क्यों लगाते हैं? ताकि आपके बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन हो सके. जब हम प्रॉपर स्लीप होते हैं, स्लीप की साइकिल होती है, जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन, हमें ब्रेन में मेलाटोनिन रिलीज होता है, जो ब्रेन को रिलैक्स करता है. उसको रिकवरी भी चाहिए होती है ना नेक्स्ट डे काम करने के लिए, बिकॉज वो कितना काम करेगा, रात दिन भर आप चक्कर कर रहे हो. हाँ, ब्रेन ऐसा होता है, सोता नहीं, रात भर भी सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं चलता रहता है, आप सपने भी देख रहे हो, आप सब चीज़ चल रही, उसमें भी दिमाग काम ही कर रहा है, तो उसको रिलैक्स होने का टाइम चाहिए. तो जब आप इसको लोगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छा, सुकून, आपको रिलैक्स रहेगा. आप कोई भी वर्क लोड है, कोई भी टेंशन है, स्ट्रेस आपको है, आपको पेपर की टेंशन है, आपको कोई भी चीज़, देखो जब आपका दिमाग ठंडा रहेगा ना, आपका जब दिमाग रिलैक्स रहेगा ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा, आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाओगे. आपका दिमाग को ठंडा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप स्ट्रेस में रहोगे, आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे, आपको डर सक लाएंगे, आपको ये सब चीज़ें होंगी अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे. तो स्लीप कब अच्छी से मिलेगी? जब आपका दिमाग ठंडा रहेगा. मतलब दिमाग में क्या, आप आंख बंद करके लेटे हो और गटर 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 चल रहा है, जिसने मारा उसने पैसे ले लिया, उसने मेरे उधार नहीं किया, आज उसने मुझे आई लव यू नहीं बोला, आज उसने सोना बेबी भी नहीं पूछा, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, मेरे को खाना नहीं पूछा, ये नहीं बोला, मेरे को खाना नहीं मिला, ये, अरे भाई क्या कचर दिमाग, यही चल रहा है तेरा. ठंडा करना, रिलैक्स करना, कहाँ से ठंडा होगा? यही है कि दिन भर आप डंबल उठा के ऐसे चलाते रहोगे तो क्या होगा? जब दिन भर आप डंबल चलाते रहोगे, बेटा मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो जब आप दिन भर डंबल बनाते रहोगे, डंबल चलाते रहोगे, तो क्या होगा? बॉडी रिलैक्स ही नहीं होगी. जब बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तो क्या होगा? वो रिकवर नहीं हो पाएगी. तो दिमाग को भी रिकवर चाहिए, रिकवरी का टाइम चाहिए. तो रिकवरी का टाइम कब मिलेगा? जब आप प्रॉपरली स्लीप लोगे. अब आप बोलोगे मैं तो स्लीप लेता हूँ. भैया, स्लीप लेने के बाद ऐसा नहीं है कि स्लीप ले रहे हो, दिमाग आप आँख बंद करिए फिर भी कुछ कहानी चल रही, नहीं.
अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत है तो यू कैन टेक दिस एविटोनिन. इट्स अ कंपनी नेम, इट्स अ मेलाटोनिन हार्मोन. कंपनी नेम इज एविटोनिन, विच इज वेरी गुड. 3 mg की दवाई है, टोटली सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई एडिक्शन नहीं है. इट्स अ फूड सप्लीमेंट, अगेन इट्स अ फूड सप्लीमेंट, नॉट मेडिसिन, इट्स अ फूड सप्लीमेंट. आधे घंटे पहले खा के सोने के लिए रख दो, टीवी बंद कर दो, मोबाइल फोन साइलेंट पे कर दे. मेरे भाई मोबाइल मत चलाना, वरना तो मोबाइल ही खोलते रहोगे, ऐसे देखते रहोगे मोबाइल. हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, काहे की नींद आएगी, कोई नींद नहीं आने वाली, इससे भी नहीं आएगी. फिर ये दिमाग को ठंडा कर देगी. एक दिन खा के देखो, अगले दिन मॉर्निंग में देखना, मेरे को दुआएं दोगे, कहोगे वाह डॉक्टर साहब, चैनल को मैं 10 बार सब्सक्राइब करूंगा आपके, ऐसा बोलोगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा दिमाग को हल्का कर देगा, ठंडा कर देगा. इसकी कॉस्ट भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है. मेरे ख्याल से ये 1000 रुपये की डब्बा, 1000 समथिंग की बॉटल आती है, जो 60 दिन चलती है, 2 महीने चलती है, मतलब 500 पर मंथ के हिसाब से अगर आप रेगुलर लेते हो. तो आप इसको रेगुलर लीजिए, आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर हो जाएगी. देखो कई लोग होते हैं जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, वो हाँ जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिन में जाते हैं या जो फ्लाइट सीवर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई आप जब सो, आप नींद यार, अब रात में हम लोग सोते हैं, हमारी आदत है रात में सोने की. अब आप दिन में उठा के, रात में उठा के काम करा रहे हो, दिन में बोल जाके सो जाओ, कैसे सो जाएगा भाई इंसान, आदत टाइम लगेगा ना. तो भाई ये खाना और आँख बंद कर लेना, आपकी बहुत साउंड स्लीप आएगी. योर स्लीप विल वेरी साउंड, आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको नींद आएगी और वो बहुत अच्छे से दिमाग रिलैक्स होकर ठंडा होकर निकलेगा. तो जितने भी फ्लाइट सीवर हैं, जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, आप प्रॉपर, आपका दिमाग ठंडा नहीं होगा, तो आप ढंग से काम भी नहीं कर पाओगे, आपका वर्क भी इफेक्ट होगा, आप प्रॉपर बात नहीं कर पाओगे. एक दिन, दो दिन, चार दिन, भाई कितने दिन दिमाग को टेंशन देगा भाई, थोड़ा दिमाग को भी हल्का कर दो. तो ये एविटोनिन है, ये आपको मिलेगी www.descomic.com पे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाइए, इसको खाइए और हल्का दिमाग को कर लीजिए, दिमाग को ठंडा करो. और मुझे बताओ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. और जितने लोग टेंशन में बैठे रहते ना, उनको मतलब भाई जा ये खा ले. इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था DHEA का, विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन. कॉम्बिनेशन बहुत से वर्क करता है, डोंट नो, यहाँ पे अभी रखा नहीं है मेरे पास, बट इट्स वेरी गुड. इन कॉम्बिनेशन आप DHEA खाइएगा, DHEA खाइए दिन में और रात में, इसको खाइए. कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा वर्क करता है. दिन भर आप खूब हैप्पी रहोगे और रात में अच्छे साउंड स्लीप करोगे. मैं बता रहा हूँ, सारे गम भूल जाओगे, टेंशन ही खत्म हो जाएगा लाइफ का. इतना अच्छे से वर्क करोगे ना, वर्क में भी आपको इतना मजा आएगा ना काम करने में, क्योंकि दिमाग ठंडा होगा. जब तक दिमाग ठंडा नहीं होगा आप काम नहीं कर पाओगे. तो आपको दिमाग को ठंडा रख के ही, जब दिमाग में रिकवरी हो जाएगी ना, दिमाग जब एकदम, तो बहुत तेज चलेगा. कई बार आपने देखा होगा कि आपको बहुत अच्छी नींद आती है, साउंड स्लीप आती है, जब आप बीमार होते, कोई मेडिकेशन लेके सोते हो, जब सुबह उठते हो तो आप बहुत कह रहे हैं यार बहुत अच्छा एनर्जी फील हो रही है. एनर्जी फील होगी बिकॉज दिमाग रेस्ट किया हुआ है. दिमाग रेस्ट नहीं करेगा तो आपको दिन भर वो थकान ही महसूस होती है, चिड़चिड़ाते रहोगे, क्योंकि दिमाग बोल रहा ना भाई छोड़ दे मुझे, सोने दे, सोता नहीं है तू, मोबाइल लेके चलता रहता है, मत कर ऐसा. तो गाइस, मोबाइल को रखो साइड में और ये गोली खाओ, एविटोनिन. नाम इसका एविटोनिन है, अंदर मेलाटोनिन है. descomic.com पे जाके मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जाके नीचे से क्लिक करो और खरीद के खा लो. और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ कि कैसा लगा मेरा वीडियो. और भी मैं नए नए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे टॉपिक पे, हट के टॉपिक पे लेके आऊँगा वीडियो, ताकि आपको मजा आए, आपकी जो जनरल नीड्स हैं वो पूरी हो. मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, कोई भी इंक्वायरी है मुझे जाके फॉलो कीजिए. और मुझे वहाँ पे आके मेरी कोई फोटो में कमेंट कर देना, वहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन है. एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस, प्लीज़ कोई भी मैसेज करो मुझे इंस्टाग्राम पे, हाय हेलो मत करो, हाथ जोड़ रहा हूँ, पूरा मैसेज लंबा चौड़ा अपनी चिट्ठी लिखो, एक साथ सेंड करो, ठीक है. अपनी फोटो सेंड करो, जो भी एरिया में प्रॉब्लम है, चेहरे में पिंपल है, कोई भी इशू है, आप उसकी पूरी प्रॉपर फोटो के साथ पूरा मैसेज एक साथ लिख के भेजना. आधा अधूरा मैसेज मत लिखना कि हाय सर कैसे हैं आप, उसके बाद 2-4 बार मैं मैसेज करूं हाँ जी मैं बहुत बढ़िया हूं, फिर आप पूछो मुझे आपसे कुछ काम था, मैं बोलूंगा हाँ जी बताइए क्या काम था, फिर आप बोलोगे मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बोलूंगा बताइए क्या प्रॉब्लम है, फिर आप बोलोगे मेरे बाल झड़ रहे हैं. भाई इतना टाइम नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 500,000 मैसेज डेली आते हैं, कितने तो कोई रिप्लाई करूंगा, इतनी बार मैं कितनों से बात करूँ. तो एक बार मैं आप बता दूंगा ना, मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम एक बार मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा. सिंपल, आई थिंक आप लोग सब आप समझ रहे होंगे इसमें. प्लीज़, और मैं अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो सॉरी, मैं कोई बहुत से लोग बोलते हैं एटीट्यूड दिखाता हूँ, मैं प्लीज कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहा होता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करने की, बट मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थक जाता हूँ. मैं 10-15 मैसेज रिप्लाई करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, फिर मैं यूट्यूब पे भी रिप्लाई करना पड़ता है, मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ आपको यूट्यूब पे, मैं इंस्टाग्राम पे भी खुद ही रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूछता तो मुझे खुद बताना पड़ता है ना, रिप्लाई करना पड़ता है. व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, तो मैं थक जाता हूँ. तो गाइस, एक साथ मैसेज करना मुझे, ठीक है. तो और फॉलो करो यार, फॉलो तो करना चाहिए ना, गंदी बात होती. चलो बाय.